हेलो फ्रेंड, शिवांगी किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम से मार्केट की तरह स्पाइसी वेज चाउमीन की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हमने चाउमीन को बनाया है बड़ी ही आसानी से घर पे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम चार गिलास तीन गिलास पानी ले लेंगे, लगभग तीन चार गिलास। और इसमें नमक मिला लेंगे थोड़ा सा। और अब हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन मार्केट में ईजीली मिल जाती है। इसको हम ढका लेंगे तो तीन चार मिनट तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाएगी और चाउमीन हमारा चिपचिपा हो जाएगा। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो दो तीन मिनट के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा पक चुकी है। एक दो मिनट हमें और पकाना है, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर चाउमीन में उबाल आ गया है और हमारी चाउमीन बिल्कुल अलग हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमें इसको निकालना है, अब और नहीं पकाना है, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगी। यहाँ पे मैं चेक करती हूँ तो हमारी चाउमीन परफेक्ट उबल चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे एक छन्नीदार थाली में। और इधर हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया। ऑयल को अच्छे से हीट होने के बाद, गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक प्याज। और जो भी सब्ज़ियाँ हम इसमें लेंगे उसको हमने बारीक स्लाइस के उसमें काटना है, मोटा नहीं रखना है ज़्यादा। तो अब यहाँ पे ली है मैंने दो हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप एक ही मिर्च यूज करें। और ये आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चाउमीन बनानी है, उसके हिसाब से आपको सब्जियों की क्वांटिटी भी रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर लिया है, इसको भी बारीक स्लाइस के रूप में काटा है। और ये अच्छे से पकने के बाद थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल दूँगी मैं इसमें। सारी सब्जियां सौते करनी है। और उसके बाद हम डाल देंगे लास्ट में शिमला मिर्च। ये मैंने यहाँ पे आधा शिमला मिर्च ली है। तो सारी सब्जियां हमारी सौते हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। और ये लिया है हमने यहाँ पे चाउमीन का मसाला, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है रेडीमेड। और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमें मार्केट की चाउमीन में स्वाद आता है, तो वो सारे इसमें हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा विनेगर ले लिया है और एक बड़ा चम्मच के आसपास हम ले लेंगे टोमेटो केचप। अब हम इसमें डाल देंगे चाउमीन। तो चाउमीन को हमें बीच से छेड़ना नहीं है, मैं साइड से ये नीचे की सब्जियां ऊपर कर रही हूँ, ऊपर की नीचे ऐसे करके अलट पलट करके इसके साथ चाउमीन के साथ मिक्सअप कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोक की सहायता से भी इसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बीच से हमें चाउमीन को नहीं छेड़ना है क्योंकि वो टूट जाएगी और टूटी हुई चाउमीन अच्छी नहीं लगती है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।